हेलो नमस्ते सत श्री अकाल। तो आज हम बात करेंगे स्कूल फैशन की कुछ ऐसी मिस्टेक्स के बारे में जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाती है, इवन आपके स्कूल में भी आपको भीड़ से अलग बनाती है। तो आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आपकी ड्रेस की फिट। आपका ड्रेस आपके बॉडी से हमेशा फिट आना चाहिए। स्कूल वाले हमेशा अपनी एक दुकान फिक्स करके रखते हैं जहां से आपको रेडीमेड ड्रेस मिलता है, तो आपको फिट एकदम नहीं आता। आपको क्या करना है, आपको अलग से कपड़ा लेना है और उसको अच्छे से टेलर्ड करवाना है। आपको अपनी पैंट अपनी एंकल तक रखनी है। आपकी शर्ट इतनी लंबी होनी चाहिए ताकि वो टक इन हो और आप सीट पर बैठे तो वो पीछे से बाहर ना निकले। आपको हमेशा अपनी ड्रेस की फिटिंग कुछ इस टाइप की करवानी है जिसकी वजह से आपकी बॉडी शेप काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। आप दूर से भी अच्छी लगेंगे, पास से तो अच्छी लगेंगे। तो दूसरे नंबर पे है दो चीज़ें, आपके बाल और आपके जूते। पहले नंबर पे आपको वो जूते अवॉइड करने हैं जिनकी आगे से नोक राउंडेड होती है, वो आपको थर्ड फोर्थ क्लास के बच्चों की तरह दिखाता है। आपको हमेशा एक फॉर्मल शूज़ लेना है जिसकी नोक आगे से थोड़ी सी पतली हो, वो आपकी ओवरऑल लुक को डिस्क्राइब करती है। लोग सबसे पहले आपकी एक चीज़ देखते हैं, वो है आपके जूते। तो अगर आपके जूते ही नहीं सही हैं तो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी उन्हें सही नहीं लगने वाली। और इसी में दूसरी चीज़ है आपके बाल। आपके बाल इतने लंबे होने चाहिए कि टीचर आराम से पकड़ के उसको खींच सके। नहीं, आपके बाल इतने लंबे होने चाहिए ताकि टीचर को ये ना पता चले कि आपने अपने बाल को लंबा करा के रखा है ताकि आप ज़्यादा स्टाइलिंग कर पाओ। आपको हमेशा अपने बाल ऐसे रखने ताकि टीचर को ना पता चले कि आपने इतने बड़े बाल रखे हुए हैं। आपको हमेशा स्लीक बैक हेयर स्टाइल रखना है। साइड को छोटा रखें, बीच वाले बाल को बढ़ाएं और उसको इतना ज़्यादा नरिश करें कि वो पीछे के साइड गिरे तो लोगों को पता ना चले कि आपके बाल इतने ज़्यादा लंबे हैं, जिससे आप स्कूल में स्टाइलिश तो दिखोगे ही, बाकी बाहर भी आप अपने मन की हेयर स्टाइलिंग कर सकते हो। और तीसरी चीज़ ऐसी है जो कि हर एक बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो उल्टा सीधा कड़ा और चुल्ला पहन के जाते हैं जिसकी वजह से टीचर की डांट तो पड़ती है और आपके वो फॉर्मल आउटफिट को ख़राब कर देती है। आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, आपको हमेशा फॉर्मल के साथ फॉर्मल चीज़ें ही करनी चाहिए, अंडरसेंट चैन और कड़े नहीं पहनने चाहिए। तो तीसरी चीज़ है एक्सेसरीज़। आप ये ऐसी चीज़ है जो आपको बाकी क्राउड से एकदम डिफरेंट लुक देने वाली है और बाकी सारे बच्चों में एकदम आपको अलग हटके दिखाने वाली है। तो तीसरे नंबर पर तीन चीज़ें, आपकी वॉच, आपके स्पेक्स और आपके ब्रेसलेट्स। वॉच आपको इसलिए लगानी है ताकि आप टाइम देख पाओ और एग्ज़ाम में जल्दी से पेपर कर पाओ। साथ ही साथ वॉच एक फॉर्मल लुक को कंप्लीट करती है। बिना वॉच के कोई भी फॉर्मल लुक कंप्लीट नहीं होता। आप बड़े से बड़े और छोटे से छोटे तबके के लोग देखेंगे, वो बिना वॉच या फॉर्मल आउटफिट कभी कंप्लीट कर ही नहीं सकते हैं। और दूसरे नंबर पर है स्पेक्स। स्पेक्स आपको काफ़ी ज़्यादा हैंडसम और काफ़ी ज़्यादा यूनिक लुक देते हैं। अगर आपके थोबड़े पे चश्मा लगा भी हुआ है तो आप उसको काफ़ी अच्छे से कैरी करें, काफ़ी अच्छा फ्रेम बनवाएं। अगर नहीं भी लगा हुआ है तो ज़ीरो फ्रेम ट्राई कर सकते हैं जो कि बाकी बच्चों से हट के दिखेगा। और उसी में एक चीज़ है ब्रेसलेट। ब्रेसलेट के साथ आपको ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, कड़ा चुल्ला ये सब अवॉइड करना है। आपको ब्रेसलेट में एक सिर्फ ब्लैक कलर का ब्रेसलेट लेना है जो कि मार्केट में 50 से 60 रुपये का आ जाएगा। आपके फॉर्मल आउटफिट को पूरी तरह डिफरेंट लुक देगा। और चौथे और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी पढ़ाई और आपका एटीट्यूड। आपकी पढ़ाई को आपको हमेशा बैलेंस करके चलना है ताकि आपका टीचर ये ना जान पाए कि आप भी अनुराग दुबे पहनावा को फॉलो करते हो। आपको हमेशा अपने पढ़ाई को बैलेंस करके चलना है ताकि आपका ओवरऑल लुक के लिए आपको कोई भी टीचर ब्लेम ना करे, कोई भी आपका टीचर आपको डांटे ना। और सबसे ज़रूरी और सबसे अच्छी चीज़ है आपका एटीट्यूड। अगर आप ऐसे बंदे हो जो कि हर एक बंदे से बात करते हुए चलते हो तो आपका ये जो लुक मैंने अभी तैयार करवाया है ये पूरा बेकार हो जाएगा। आपको हमेशा ऐसा रहना है कि आपसे जो बात करता है सिर्फ आप उसी से बात करें। रास्ते में चलते हुए इधर उधर हाथ पाँव मारते हुए ना चलें, एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज बना के चलें जिसकी वजह से आपका फॉर्मल आउटफिट कम्प्लीट होगा, साथ ही साथ आपका एटीक्वेट भी उसी में जुड़ेगा जिसकी वजह से आप ओवरऑल काफ़ी अच्छी पर्सनालिटी अपने साथ कैरी करके चलेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी मेरे छोटे भाइयों के लिए जो कि स्कूल जाते हैं। आप इन चीज़ को हमेशा अप्लाई करें और आप अपने अंदर एक चेंज नोटिस करेंगे और बाकी लोग भी आपके अंदर एक चेंज नोटिस करेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, ना पसंद आए तो भी लाइक करें, दोनों ही कंडीशन में सब्सक्राइब करके जाएँ। धन्यवाद।